अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कोरमा की रेसिपी। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते बनाना। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1/2 kg चिकन जिसे मैंने फ्रेश वाटर से धो ली है, 1/4 teaspoon शाहजीरा, 1 inch दालचीनी के, 3 लौंग, 4 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ता, ये सब फोड़न है, 1 बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने लंबे स्लाइस में कट करके गोल्डन फ्राई कर लिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे इसका एक पेस्ट बना लूँगी ग्राइंड करके। 6 काजू, 6 बादाम जिसे मैंने भिगो कर रख दिया था और इसका मैंने पेस्ट बना लिए। 1 कप दही, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत, 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस, पानी हसबे ज़रूरत। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है मैरिनेशन का, तो हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैं मैरिनेट के लिए एक बाउल ले लेती हूँ, इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाकी हम बाद में डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है सारी चीज़। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर मैरिनेट करने रख देंगे। तो चलिए इसे हम ढककर रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। तो ये देखिए हमारी 1 घंटे हो चुकी है और हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। मैं कढ़ाई में चिकन बनाऊंगी, इसी कढ़ाई में मैं घी डालकर प्याज को फ्राई की थी और वही वाली घी है, इसी में हम चिकन बनाएंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि घी में हम चिकन कोरमा बनाएंगे तो इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी चिकन कोरमा की। हमारी घी गर्म हो चुकी है तो अब हम जो खड़े गर्म मसाले वो डाल देते हैं और इसे हम कुछ सेकेंड सॉटे कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कुछ सेकेंड मसाले सॉटे हो चुकी है, अब हम चिकन डाल देते हैं इसमें। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी मिक्स हो चुकी है, इसे हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह फ्राई करते हैं। तो ये देखिए हमारी 4 से 5 मिनट हो चुकी है चिकन को फ्राई होते हुए। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसके साथ भी हम कुछ मिनट फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैं धनिया के साथ 2 मिनट फ्राई की हूँ। अब हम इसमें चिकन मसाला पाउडर डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पानी डाली है और अब हम इसे लिड को ढककर थोड़ा देर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारी 10 मिनट हो चुकी है और हमारी जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो चुकी है। देखिए घी सेपरेट हो चुकी है, इसका मतलब हमारी चिकन अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें दही डालेंगे और साथ ही साथ काजू बादाम का पेस्ट। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम दही और ड्राई फ्रूट के पेस्ट जो मैंने इसमें डाली है इसके साथ हम 5 मिनट भून लेते हैं अच्छे से। तो लिड ढक कर हम भूनेंगे। तो हमारी 3 मिनट हो चुकी है, अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम फ्राई ओनियन डालेंगे जिसका मैंने दरदरा पेस्ट बनाया था, वो हम डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारी चिकन से। तो ये देखिए हमारी मिक्स हो चुकी है अच्छे से। तो अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम फिर कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं अभी वो चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमारी 2 से 3 मिनट हो चुकी है, अब हम लिड खोल कर देखते हैं और इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं।
अभी इसमें हम केवड़ा एसेंस डालेंगे हाफ टी स्पून। इससे हमारी फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल शादियों वाली कोरमा बनेगी हमारी। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने केवड़ा एसेंस डालकर इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से इसे पका लिए। तो अब हमारी चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए हमारी शानदार सी चिकन कोरमा शादियों वाली बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट भी करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।